मनपसंद आर्टिस्ट से मिलना, एक्टर से मिलना, लोग मुंबई का रुख करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया ये पहला सवाल। दूसरा ये इतने सारे लोगों को ऑन बोर्ड लाना वाकई में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। यू नो आई कैन सी रिमी, आई कैन सी मंजरी, एंड आई लव, यू नो आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी फीमेल्स ऑन द सेम स्टेज, वोइस शेयरिंग नंबर्स इक्वल इक्वल नंबर टू द मैन फीमेल सिटिंग हियर। यस यस, सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, इजी, कितना आसान या मुश्किल था इन लोगों को लेके आना, अगर आप कुछ और डिटेल में बता सकें इस बारे में। इसके लिए एक ही सवाल है और एक ही जवाब है। 18 साल में मैंने ट्रस्ट कमाया है इंडस्ट्रीज में, बहुत कम लोग कमाते हैं, तो एक सोच चलाना गोसेरम के लिए, गोसेरम जैसा, अगर ट्रस्ट नहीं कमाया होता तो ये यहाँ आज 23 आर्टिस्ट हैं और टोटल पे 300 लोग हैं। मैंने कभी इंडस्ट्रीज में कोई भी आर्टिस्ट से कभी कमीशन नहीं खाया है, कभी भी मैं खाचा नहीं रखता हूँ, जो इंडस्ट्रीज की जो एक चीफ लैंग्वेज में बात करूँ, और जो भी काम करता हूँ मैं इंडस्ट्रीज में वो दिल से करता हूँ। और एक आर्टिस्ट इसलिए रिस्पेक्ट देता है कि उसके साथ जब हम प्योर भी डील करें, अगर हम इस वजह से मैं 2-4 लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी आज यहाँ आए, हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर था उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं। जो हम बोलते हैं और जो उनकी डिमांड होती है वो हम पूरी करते हैं, तो जहाँ ट्रस्ट है वहाँ पे आर्टिस्ट कोई भी बॉलीवुड का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आर्टिस्ट आपके साथ काम करेगा। और उसी वजह से बहुत अलग जैसा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, और एक मेरा रेपो था, मैं काफ़ी मतलब 1500 से ज़्यादा इवेंट ऐसे कर चुका हूँ। और आपको बताने के लिए बता दूं कि मैं एक साथ में इंडिया में, तो मेरा नाम है कि एक साथ में मैंने मुंबई से लेके गांधीधाम तक एक ही साल में 10 दिन का मैनेजमेंट, 200 से ज़्यादा सेलिब्रिटी और 78 से पंडाल ज़्यादा मैंने मैनेज किए थे। तो सेलिब्रिटी के साथ तो मेरा नाता जुता रहता ही है, क्योंकि उनके साथ काम करना है, इवेंट, फिल्म, सीरियल सब कुछ हमारी कंपनी करती है, और लोगों का ट्रस्ट है, तो उसकी वजह से वो सहलवा है। पूजा, आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि आप तीनों से जानना चाहूँगा, क्या ऐसा खास लगा द मोमेंट इज, यू नो द पीपल ऑफ दिस entire initiative or the concept approach, you want to be a part of it, what was your first reaction? Maybe क्या reaction था आपका, मंजरी, आपका, पूजा, कि इस तरह से कुछ, क्योंकि ये यूनिक है, हमने भी का जर्नी हमने कैसा कुछ सुना नहीं है कि आप एक तो अपने मनपसंद से फिल्म सितारे से मिल सकते हैं और उसको पे करने के लिए आप उसको किस्तों में पैसे देते रहिए, मिल लीजिए, ख्वाब पूरा कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चिराग जी मेरे घर पे आए थे और ये कॉन्सेप्ट मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तब उन्होंने कुछ ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था, क्या है मैडम, देखिए प्रोडक्ट है ना मार्केट में, तो मार्केट में प्रोडक्ट होता है, हमने आर्टिस्ट को प्रोडक्ट बना दिया है और उसके नीचे EMI ऑप्शंस, कैशबैक ऑप्शंस सब है। तो मैं 2 सेकंड के लिए सोच रही थी, अच्छा है, सभी पॉसिबल है एक इंसान के लिए भी कैशबैक ऑप्शन, मतलब, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करते थे पहले, हम लोग कहाँ कहाँ जाके ढूंढ ढूंढ के कोई पर्टिकुलर सामान है तो ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे उस शॉप में जाओ, कौन सा, क्योंकि हर चीज़ ज़ारा हमारा ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा स्टोर में नहीं मिलता है, कुछ कुछ चीज़ें जब रिक्वायरमेंट होता है बांद्रा के लोकल मार्केट में, अंधेरी के लोकल मार्केट में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए। तो अभी लाइफ इतना ईजी हो गया है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट आने के बाद कि एक फिंगर में आपका सब कुछ अवेलेबल है, फिंगर टिप में। तो आई थिंक अगर इवेंट के लिए आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ प्लान किया जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले परेशानियां बचेगा लोगों का, बीच में जितने भी लोगों का ईगो हासिल होता है वो मेन है, क्योंकि जब 10 आदमी एक इवेंट पे काम करते हैं तब ईगो हासिल बहुत होता है, किसी को ये पसंद नहीं आया, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आया, तो फाइनली क्या होता है, किसी को अपना आर्टिस्ट को डालना है, किसी को उनका जो पर्सनल रैपो है जिस आर्टिस्ट के साथ उनको डालना है, तो ये हमारे लिए भी लॉस था और उनके लिए भी लॉस है। फाइनली कभी इवेंट होता नहीं था, कभी आर्टिस्ट कैंसिल हो जाते थे, पेमेंट टाइम पर नहीं पहुँचता था, तो बहुत चीज़ें हैं जो अभी सिंप्लीफाइड वर्जन में आप सबके सामने आ जाएगा, हमारे साथ सामने भी आ जाएगा, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है, द थिंग इज फॉर मी टू गेट कन्विंस्ड इज नॉट एन ईजी टास्क, व्होएवर हैज वर्क विद मी विल नो दैट, पूजा को कन्विंस करना इतना ईजी नहीं है,
इनके पास एक नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें थी विच डेफिनेटली ड्रो माई अटेंशन. वन, इनका बैकेंड जो है विच इज रियली स्ट्रॉन्ग. टू, एट द क्लिक ऑफ अ बटन. अब जो छोटे शहरों में होते हैं, फॉर इंस्टेंस रायपुर से जो लोग होते हैं, दे वॉन्ट टू कॉल अ सेलेब्रिटी फॉर एन इवेंट, दे डोंट नो हाउ टू गेट देयर, बट गो सेलेक्ट, क्लिक, डन. एट मोस्ट ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाइड. द बेस्ट थिंग इज जो लोग आते हैं वो पूरे वेरीफाइड होंगे. सो दैट्स अगेन द बेस्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज आई डोंट हैव टू लेट गो ऑफ माई एजेंसी. मैं एक एजेंसी के साथ काम करती हूँ. और गो सेलेक्ट इज डन इज जो मार्केट होता है उनको एक्सपैंड कर दिया है. कि अभी अगर आप शादी का इवेंट है एंड यू डोंट वांट एनी मिडिल मैन, यू कैन जस्ट गो टू गो सेलेक्ट. यू डोंट नीड एनी मिडिल मैन इन द मिडिल, इट्स डायरेक्ट. सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. ड्रीम्स आर टर्निंग टू रियलिटी बिकॉज नाउ यू कैन हैव, यू कैन सी योर स्टार्स, यू कैन मीट देम, व्हिच इज ग्रेट. आई नो व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू हाउ ब्यूटीफुल इट इज. सो दैट इज टू. द थर्ड वन इज दैट चैरिटेबल कॉज. Which is the icing on the cake? I said transparent hai, backend strong hai, charitable cause mein believe karte hai, logon ke sapne saakar karte hai. I have to be a part of it. So, go select. I think Rimi aur Pooja ne almost all points cover kar diye. Main bhi yehi kehna chahungi that mujhe jo bahut pasand aayi thi baat inki, ek to ye thi ki transparency hai. And it's a beautiful bridge between fans and their favorite stars and their talent or whatever. And as she said, the whole charitable cause was something very interesting to me. Like, उन्होंने मुझे समझाया था कि जैसे कि so many times you know you wear certain clothes and आप उनको repeat नहीं कर सकते हैं बहुत बार. So instead of just giving it away or you know not using it again and they stay in your cupboard, आप उनको वो select को दे सकते हैं जो उनको auction करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो and you know it will help the right people for the right cause. So mujhe ye baat bahut pasand aayi thi Go Select ki. उसके लिए एक प्रोसेस है. जो न्यू आर्टिस्ट है, कभी ना कभी हमारा भी पहला दिन था, हम भी वो दिन गुजरे हैं उस दिन से, तो हम हमारे लिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है. अगर कोई आर्टिस्ट हमारे वहाँ पे रजिस्टर होता है तो उसकी पहले प्रोफाइल क्रिएट होती है, बैकेंड से अप्रूव होता है, तब फ्रंट जाता है. अगर आप देखने जाओ तो मेरे बैकेंड में 700 से ज़्यादा लोग रजिस्टर है, लेकिन फ्रंटेज आपको 300 लोग दिखेंगे. उस तरह का जैसे कि अभी आपने नितेश को देखा, वो एक अपकमिंग टैलेंट है, लेकिन आज एक अच्छे लेवल पर उसको प्लेटफॉर्म दिया. तो हम आर्टिस्ट आर्टिस्ट हो जाए भाई, आर्टिस्ट की कीमत कभी नहीं होती है. आर्टिस्ट को जितना रिस्पेक्ट दोगे ना उतना वो आपका अच्छे से काम करता है, और लोग रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते. आज गो सेलेक्ट आया है उसकी वजह से. गो सेलेक्ट जैसे मंजूरी जी ने आपको बताया, ऑप्शन ऑप्शन कितना अच्छा लोगों के लिए काम आएगा. और उसमें मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं राजेश जी, जो एग्रीकल्चर एनजीओ के लिए हम गो सेलेक्ट, जो भी पैसा आएगा वो एग्रीकल्चर एनजीओ में ही लेने वाले हैं. अच्छे काम करेंगे तो हर कोई हमारे पास जुड़ेगा, आपके साथ भी जुड़ सकते हैं. कोई वो सेलेब हो, आर्टिस्ट हो, आप अच्छा काम लेके आओ, मी टू वाली बातें मत लेके आओ. इसमें एक बात से वो सेलेब से मुझे शिकायत है कि ये एनजीओ में जो ये कपड़े वाला बन रहा है उसमें बर्तन वालों की दुकान बंद हो गई. अच्छा नहीं नहीं सर, बर्तन वाले की बात नहीं है. हमारा कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, एक इसमें क्लियर लाइन है. हम चाहते हैं कि आपकी बेटी के शादी में कोई सेलब आए, जो चीज़ 5 रुपये की होती है वो आपके तक पहुँचते पहुँचते 15 रुपये हो जाती है. मैं प्रॉपर एक कंसेप्ट को जो है मतलब समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए एक फिंगर पे आती है. कोई भी सेलिब्रिटीज जो वो सेलब के साथ रजिस्टर है आप उनको इजीली बुला सकते हैं ट्रांसपेरेंसी से. ना सेलिब्रिटी आपसे कोई माथा पच्ची करेगी क्योंकि उनके एग्रीमेंट पे सारी डिटेल्स लिखी होगी, आपको वो प्रोवाइड कर रहा है. जब एक टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो जाती है फिर कोई सेलिब्रिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन जब बीच वाले होते हैं, आपने यहाँ सेलिब्रिटी ने बोला कि लग्जरियस कार ऑर्गेनाइजर के तक बात पहुंचती नहीं है और भेज देता है एक डिजायर कार, तो वो फिर प्रॉब्लम होना ही है. कभी भी देखो
आप कोई शॉप पे जाते हैं, दुकानदार आपसे कभी ऐसा कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है? अब सेलिब्रिटी को अपना टैलेंट भेजना है, उनके लिए वो ही है, तो वो क्यों ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे? मेरी लाइफ में मैंने कम से कम 1500 से ज्यादा लोगों के साथ, कम से कम मैंने लाखों टाइम बोल दो तो चाले, उतनी बार काम किया, मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी का एटीट्यूड नहीं दिया, क्योंकि मैं जो उनको चाहिए वो दे देता हूँ, तो मेरे से क्यों एटीट्यूड करेंगे? लेकिन आप जो गुजराती रणनीति होती है ना, 5 रुपए की चीज में भी आप खोजोगे कि यार उनको टीजीपी की तरह जगह यहाँ पे रुकवा देंगे या यहाँ पे रुकवा देंगे, तो प्रॉब्लम होना है। तो उन्होंने जो मांगा आप दे दोगे तो कहीं एटीट्यूड वगैरह कुछ आने वाला नहीं। और वो जगह पे सब हम जितना सेलिब्रिटी का केयर करेंगे उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर का करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है तो वो जगह जिंदा है और आर्टिस्ट जिंदा है, चाहे ऑर्गेनाइज। हमारा नेक्स्ट वर्टिकल जो है कास्टिंग पे आ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं, और पहली कास्टिंग एजेंसी ऐसी होगी जिसने इतना सारा पब्लिसिटी मार्केट जो मार्केटिंग बजट रखा है वो अभी पहली कास्टिंग एजेंसी होगी कि इतना सारा मार्केटिंग। हमारा ये हिमांशु भाई सब जानते हैं कैसे हमने वर्किंग किया, तो खुद सारे मेरे 15 साल पुराने फ्रेंड है, वो खुद सोच रहे थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरह अगर इसको वैल्यू बना देंगे सबके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए मतलब एक एंड यूजर के लिए और एक जो वर्कर है उनके लिए। उसके बाद हमारे 7 वर्टिकल है, तो 1 by 1 हर महीने कुछ ना कुछ गौशाला लेके आएगा और आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, जो भी सेलिब्रिटी से आप सवाल करें। थैंक यू, अभी हम 1 to 1 करेंगे क्योंकि इनको इवेंट पर भी जाना है। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, मैं चित्र यहाँ पे कोई भी ऐसा अभी लाइव नहीं, ऐसा कंप्यूटर में कंप्यूटर के एक फिंगर टिप पे आ गया है लाइव सबका। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना डिमांड है कि लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके शॉपिंग करने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खरीदा है, काम होता है, ट्रैफिक में जाओ, गाड़ी पार्क करो, फिर आप वॉक करके जाओ, फिर सामान चेक करो, घर बैठे बैठे आप जो वेबसाइट्स है फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये लाइफ इतना ईजी कर दिया है कि आई थिंक आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ अगर हो तो फिर वो सबके लिए फ़ायदा भी होगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा। तो आई थिंक तो से लगता है ये दिमाग से निकला है, कॉन्सेप्ट आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। इसमें जितने भी मिडिल मैन थे उनकी तरफ से जो कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ था आई थिंक वो दूर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजर्स के साथ आर्टिस्ट का विवेक खोज हो जाएगा। और जैसे सूर्य जी ने कहा है 5 रुपये का चीज़ 15 रुपया हो जाता है वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते, आई थिंक वो 5 से 6 रुपया होगा लेकिन 15 रुपया नहीं होगा। तो आई थिंक विन-विन सिचुएशन है सबके लिए, सबका फ़ायदा है, सबका प्रॉफिट है, और इसमें काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा बढ़िया काम आई थिंक। मैंने बॉम्बे टाइम्स ऑलरेडी मेरा पहला इंटरव्यू दिया था जब तनुश्री का ये जो कंप्लेन आया था नाना पाटेकर जी के साथ अगेंस्ट में, कि मीट मूवमेंट एक आदमी को रोक सकता है अगर, लेकिन सब अगर इकट्ठे हो जाए और एक मूवमेंट चालू करे जैसे बॉलीवुड में हुआ है, आई थिंक लोगों के दिल में डर बैठ जाएगा और इतना ओपनली सब कुछ नहीं हो पाएगा जितना अभी तक हो आ रहा है, और थोड़ा सा लोगों के दिल में डर बैठेगा। तो आई थिंक लड़कियां भी सेफ फील करेंगी कहीं पे जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए। तो आई थिंक ये मूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी ऐसी चीज का आपको सामना करना, अभी इवेंट के बारे में सवाल करना पड़ेगा। इवेंट के बारे में सवाल करना पड़ेगा, इतने सारे आर्टिस्ट हैं सबको आपको हर चीज़ में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो आएगा, कुछ चीज़ें होंगी जो फेक होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो रियल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जिसके लिए अदरवाइज बिना आग का धुआं तो आता नहीं है। तो रोल यस मैम, क्या कहते हैं वो सीरीज के
कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब काफ़ी इसी हो गया जो कॉमन वर्ड है जो करंट जो सेलिब्रिटी से कितना एक्साइटिंग है, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज गो सेलेब जो ये लेके आए हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज बिटवीन फैंस एंड देयर फेवरेट स्टार्स एंड सेलेब्स और यू नो लोगों के बीच में जो ब्रिज the bridge cuts the gap between them and in a very transparent way and aapko middleman ke through nahi guzarna padega and aur bhi unka bahut unke site mein bahut sari cheeze hongi like you know there are the auctions of things which celebrities have owned aur wo jo bhi paisa aayega aap auction ke through wo jayega ek ngo ke liye jo bhi you know whatever they have tied up with so that will also be for a good cause so yeah I feel it is very brave of the girls to finally come out with this whole thing with their own true stories and yes I do believe them and but main ye bhi kahungi ki aisa nahi hai ki sab log bure hain industry mein hamari industry mein specially because it shouldn't look as if everybody is bad bahut acche log bhi hain I think I've been very fortunate ki mujhe acha experience aaya hai I have had my uncomfortable moments also but maine usko acche se handle kiya hai aur apne aap ko safe bhi rakha hai so ball is always in your court you can keep yourself safe if you want so, what about the court currently you are working I'm right now working in a very interesting theatrical production it is it's a musical called Devdas and I'm very excited about it and wo abhi 16th November ko it's opening kehne ka topic jo aap taiyar kiya hai wo select kar ye concept kya kehna chahenge kitna zyada aap start se kahan se start hote ho aur kya hai so basically I was a part of India's Got Talent in 2012 and then Asia's Got Talent तो ऑफकोर्स मैं एक आर्टिस्ट रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट के किस चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है और जब चिराग भाई ये कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे सामने तो ऑफकोर्स मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाया इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज स्पेशली फॉर टैलेंट लाइक अस यू नो सेलिब्रिटीज एंड टीवी तार के लिए क्वाइट ईजी है फॉर टैलेंट लाइक अस कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस जा सकता है बिकॉज आपको एक परफॉर्मेंस में देख के पीपल कॉल यू फॉर देयर और डिफरेंट परफॉर्मेंसेज फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस सो हमारे लिए ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक एक अपॉर्चुनिटी को मिस करना किसी दूसरे की गलती की वजह से इट इज़ आर लॉस और आई गेस गो सेलिब्रेट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये लॉस को मिनिमम कर देगा और यू नो हमारे लिए वो मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा आपने काफ़ी सारे इवेंट्स किए होंगे लाइव परफॉर्मेंस किए होंगे तो कभी कोई ऐसा अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस होगा वो बताएगी बुरा और अच्छे से ज़्यादा एक ऐसे होता है ना एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल टैलेंट लाइक अस तो हम जब जैसे आपने अभी देखा कि हमने गो सेलेक्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसके लिए परफॉर्म किया तो वैसे ही हम हर एक कंपनी के लिए हर एक ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं वो परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमारा एक एस्पेक्ट होता है कि यू नो यू शुड गो देयर एंड यू शुड टॉक टू योर क्लाइंट एंड हाउ दे फेल्ट बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडिल मैन एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर हियर एंड देयर आप एक कॉस्ट देते हो और उसके ऊपर प्लस ऑन होकर फिर वो सब चीज़ होती है और वो बाहर ना निकले इसके लिए क्लाइंट नेवर वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट विद योर क्लाइंट यू नो सो द एजेंसी ऑलवेज इन बिटवीन यू टू यू नो टू स्टॉप यू और टू नॉट टू गो टू द क्लाइंट और ये चीज़ थोड़ी सी आपको अनसेटिस्फाई कर देती है इट मेक्स यू आपको वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता और गो सेलेब इज़ द डायरेक्ट कनेक्शन सो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट एनी एजेंसी मैम क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में गो सेलेक्ट का कितना आसान हो गया है जो कॉमन मैन होता है सेल्फ से कनेक्ट करना और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड इस कॉन्सेप्ट को लेकर यू नो जब ऑनेस्टली हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनके जो कॉन्सेप्ट थे लाइक ऑप्शंस लाइक कैशबैक्स मैं दो मिनट के लिए यू नो आई वाज शॉक्ड आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ लेकिन आर यू सीरियस क्योंकि येस क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है एंड यू नो वेरी ट्रस्टवर्दी द टीम इज़ वेरी वंडरफुल हार्ड वर्किंग एंड ऐसे मतलब एक पर्सन भी ऐसे नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये वर्कआउट करेगा और नहीं करेगा बिकॉज उन्होंने इतना ट्रस्ट डाला ना कि यू नो इमीडिएटली लाइक एक्टर्स लाइक मी हमने ऐसे मुझे ओके फाइन डन दिस इज नाइस बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बहुत सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव हूँ तो फॉर मी दिस वॉज लाइक कि ओके आई नीड दैट पुश यू नो एंड गो सेलेब इज रियली पुशिंग मी
और लाइक राइट नाउ आज ये इवेंट है, आज फिर डांडिया के इवेंट है, यू नो दे आर रियली हेल्पिंग आउट अस एज वेल एज फैंस ऑल्सो टू कनेक्ट विद अस, सो इट्स वंडरफुल यू नो. And what about the projects you are working in? Yes. अभी दो तीन महीने के लिए मेरा ब्रेक है, बट रियली फ्यूचर में है दो तीन प्रोजेक्ट्स, आई लेट यू नो, होपफुली जल्दी हो जाएगा. Sir, what do you say about the concept and how inspiring it is and how influential it is? सबसे पहले तो मैं अपना गोल सेलेब के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे गो सेलेब का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. एक्चुअली दिस इज मी राजीव राजा और मैं शिमला से हूँ, तो मुझे एकदम पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था ऑल मूवमेंट से, तो यहाँ आके पता चला कि इतना बड़ा इवेंट गो सेलेब कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ गो सेलेब का, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए और हमारे लिए भी जो सेलिब्रिटीज बन रहे हैं अभी. थैंक यू मच फॉर गो सेलेब. मैं व्हाट यू से अबाउट द गो सेलेब कॉन्सेप्ट, हाउ इंस्पायरिंग इट इज, और क्या कहते हैं कितना आसान हो जाएगा एक कॉमन मैन और एक सेलिब्रिटी का कनेक्शन होना? आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा, तो टिकट पे आपका आपकी सेलिब्रिटीज अवेलेबल है, उनके रेट्स और उनके जो भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और कौन मैनेज करेगा सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर वेरीफाइड है, तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी ईजी. ताम झाम सब निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेशन फिर ईगो हैसल सब निकल जाएगा लोगों के बीच में, और आई थिंक सेलिब्रिटीज को भी बहुत काम मिलेगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत आर्टिस्ट मिलेंगे, वो भी कम रेट में और एकदम अच्छा अच्छा रेट में, तो आई थिंक सबके लिए ईजी हो जाएगा. एग्जैक्टली सर, मैं वेरी लेजी एंड लेट बैक पर्सन, तो मैं एक साथ चार लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हूँ, सो माई मेन मोटिव टू रजिस्टर विद गो सेलेब बॉस कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे लिए वही करेंगे, सो आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दिस एंड चिराग जी ऑफ कोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट ऑल ऑफ अस आर हियर, एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्टर्स, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस नहीं भी हैं उन सब के लिए. वो एक्चुअली मेरा फैन मोमेंट अभी मैंने मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया है, तो मेरा जो फैन मोमेंट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, उनके साथ शूट किया था, सो दैट इज माई फैन मोमेंट. इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा है, सो चिराग जी गो सेलेब दे हैव थॉट अबाउट इट, और कंग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है, और जब वो आया है आई एम श्योर कि हम सब उसका भरपूर फायदा उठाने वाले. थैंक यू. जो सेलेब इज़ अ वेरी ईजी प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स एक्चुअली, बिकॉज बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि जो बीच का जो मीडिएटरशिप होती थी यहाँ से काम खराब होता था, तो जो सेलेब के हिसाब से क्या होगा कि जो सही लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर किसी किस्म का कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता, चाहे आर्टिस्ट के साथ हो चाहे वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ हो, तो इन दैट वे एक जो बीच का ब्रिज है वो सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिश एक्टर्स एट द सेम टाइम द न्यू कमर्स. मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, और ऑफकोर्स हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, एकदम से हो सकता है लोग उसको पहले समझ ना पाएँ, बट एज एन एक्टर जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है, और आई थिंक इट कैन चेंज द इंडस्ट्री इन अ वे, सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, डिपेंड करता है लोग उसको कैसे परसीव करते हैं. I just won the best actor award for my film Phase 16 last month, so it was released in August. Now I'm looking forward to my next project, so hopefully in next year my film should start working. Yeah.
लंबी कहानी है, जैसे मैंने बताया 2013 में मैंने 78 इवेंट वर्कआउट किए थे, उसमें मैं और आर्टिस्ट दोनों परेशान हो गए थे। फिर वहाँ से मैंने सोच लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि जिससे लोगों का और हम का सबका भला और एक फिंगर पे आ जाए। तो मेरा 7 साल से एक कंसेप्ट पर वर्क चल रहा था। बहुत लंबी कहानी है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके साथ US की टीम वर्क कर रही है। हम ये पूरा जो पोर्टल है वो US बेस्ड कंपनी है जो पुणे में भी ऑपरेटिंग कर रही है, उन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, हर चीज़ अवेलेबल है उस पर। मतलब अभी तो हमने सिर्फ गो सेलब आर्टिस्ट बुकिंग आपको बताया, गो सेलब ऑप्शन है, गो सेलब क्लब है, गो सेलब प्रो है, गो सेलब हायर है, गो सेलब लाइव है, इतने सारे वर्टिकल हैं। तो आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, गो सेलब से इतना वर्क मिले। 300 हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक भी अपकमिंग, मुश्किल से 10 आर्टिस्ट होंगे। टेलीविजन इंडस्ट्रीज के करीबन 240 समथिंग आर्टिस्ट है, अगर जैसे अंकुश है, जैसे असीम अली है, जैसे हसन अली है, ये रिश्ता की टीम में से काफ़ी लोग हैं, पुराने टीम में से काफ़ी, मतलब आर्टिस्टों का हमारे वहाँ पे आते हैं और जब हम कंसेप्ट बनाते बताते हैं आधा घंटा में वो रेडी हो जाते हैं। जो मैंने आज तक मेरा इतना काम करने के बाद कभी भी आर्टिस्ट फर्स्ट मीटिंग में रेडी नहीं होता कंसेप्ट को सुन के। फिलहाल तो मैं लाइफ में जब भी काम किया है, और हिमांशु भी उसके लिए जानकार है, कि मैं कभी कंपटीशन में जुड़ा नहीं हूँ और मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता, मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ। मैं जो भी आज काम कर रहा है आज तक वो यूनिक ही होगा, उसका मेन साक्षी है हमारे हिमांशु भाई है। सर, ये क्या करना चाहेंगे, इस ब्रांड को कैसे सर्विस करने वाले हैं मार्केट में आप, ऐसा PR क्या प्लानिंग करने वाले हैं? प्लानिंग स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हमने कि किसी को भी अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो वो सेलेक्ट पे फोटो भेजा के ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा, उन्हें कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर वो आज इनके पास उतने पैसे कम हैं तो EMI पे भी वो आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर 1 महीने या 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहें, फिर भी वो आर्टिस्ट जो अगर आपने सपने में सोचा था कि वो आर्टिस्ट हमारे पास आए, हमारे इवेंट पर आए, हमारे बर्थडे फंक्शन में आए, हमारी शादी में आए, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखता आ रहा है। मैं गोल के थ्रू नहीं, ऐसा तो मेरे पास ऐसा तो हम दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वो जरूर है हम दोनों के लिए कि गो सेलेब के थ्रू हम दोनों को मिले। सनी लियोनी है कि नहीं रजिस्टर्ड? मतलब मैं हमारे लिए आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ हमारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर कोई सेट होगा वो फिर चाहे कोई भी हो उसको रजिस्टर हम जरूर करेंगे। क्राइटेरिया टीम जो है हमारी लीगल टीम के साथ, क्योंकि हम एक्रोस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और गो सेलेब की ऑफिस 7 कंट्रीज में है, तो हम उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सबको रजिस्टर करेंगे, जो क्राइटेरिया मेरी जो लीगल टीम है उसके डिपेंड है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सो अम्बे मात की जय। और ये शुभ अवसर पर ये नया एक पोर्टल शुरू हुआ है गो सेलेब, जहाँ पर आप अपने दिल से जिसको आप जिस आर्टिस्ट को चाहते हैं उसे आप बुक कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आप आपके जो ड्रीम्स हैं कि भाई मैं इस आर्टिस्ट से मिलूं या उस आर्टिस्ट से मिलूं, जिनको आप डेली टेलीविजन पे देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, आप उनको आसानी से आप मिल सकते हैं, अपने रूबरू बैठा करके चाय पी सकते हैं उनके साथ, और उनको अपने किसी भी पार्टी में इन्वाइट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पोर्टल फॉर बोथ, कि जो आम आदमी जो सोचता है कि मुझे मेरे साथ बैठ के एक आर्टिस्ट काम करे या मेरे साथ बैठ के एक आर्टिस्ट चाय पिए, उसके लिए भी, और जो आर्टिस्ट है जो मतलब अब कहते हैं कि सीरियल की शूटिंग होती है 20 दिन या 15 दिन, अगर मेन लीड है तो भी 20 दिन होगी, बाकी 15 दिन के लिए आर्टिस्ट जो फ्री है वो ऐसे नॉर्मल अपने फैंस को मिल सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द आर्टिस्ट, सो इसलिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सो इट्स अ बेस्ट पोर्टल आई थिंक। थैंक यू। कोई खुश है, कोई नाराज है किसी चीज़ के लिए, किसी के साथ अनबन है, या आई थिंक देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। सो आई थिंक ये एक डायरेक्ट अप्रोच है कोई भी इवेंट के लिए, कोई भी आर्टिस्ट के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजर के लिए। हसल फ्री जॉब जिसको बोलते हैं, हम लोग दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, डीजल जला के दुकान जाते हैं, ट्रैफिक में सामान खरीदते, उससे बैठे घर बैठे बैठे बटन में आपका काम हो जाता है। Yeah, so I think it's a great opportunity and it's a very easy thing for everyone. अभी इवेंट जितना ईजी हो जाएगा तो वो हमारे
conversation and I think it's a great concept. Rimi, I would request you to have a seat so I can call the other guests on the stage. I would like to invite Rajesh Kumarji, please come on stage, sir. Please, Zorda Taliyon se swagat kijiye Rajesh ji ka. Hi, kaise hain aap? मैं ठीक हूँ, इनकी हालत थोड़ी खराब लग रही है। क्या हो गया, मतलब सब ऐसे कसम खा के आए गए, मुस्कुरा के दिखवा दो मुझे। थोड़ा सा मुस्कुराइए, चाहे कि अपने लिए ताली बजाइए। इतनी दूर, 17 किलोमीटर सिटी से दूर है ये होटल, और एक बहुत ही खास मौके के लिए सब लोग आए हैं, फिर भी दुखी हैं। चाय पिए चिराग भाई, चाय शुरुआत कर सकते हैं, पहले आप बोलेंगे। ओके, सो गुड इवनिंग।
नमस्कार, सबसे पहले मैं मेरी टीम को बुलाऊंगा, मिस्टर विनोद धाकरे जो हमारे आइडिया पैराडाइज के ग्रुप सीईओ हैं। सेकंड हमारे गो सेलब के सीईओ मिस्टर मनीष नायर। एंड हमारे क्रिएटिव हेड मिस्टर खालिद खान। खालिद भाई कहाँ है? बुला उनको। वैसे तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, खालिद भाई आ जाएंगे और कुछ सेलब आ रहे हैं क्योंकि रेडी हो रहे हैं, तो सब आ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे आपके सूरत शहर में एक करके आए हैं, तो उसकी वजह से सब। और रात को तो हमारे मितुल भाई कहाँ है? ऑर्गेनाइजर G9 ऑर्गेनाइजर मिस्टर मितुल। देखो मितुल भाई बाहर होंगे, ऑर्गेनाइजर उनको बुलाओ। थोड़ी बात आप किसे करना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट कैसे आया और इसके पीछे कैसी मेहनत है, तो आप लोगों को और आगे लोगों को कन्वे करने के लिए अच्छा रहेगा। मैं बेसिकली पिछले 18 साल से इंडस्ट्रीज में हूँ। मेरा करियर एज ए देखने जाओ तो बहुत छोटी लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन भगवान की मेहरबानी से मुझे पहला फर्स्ट लेवल इंडस्ट्रीज में मिला कास्टिंग डायरेक्टर का, उसके बाद मैं मैनेजर बना। लेकिन जो सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए काम को लेके वो नहीं मिल रहा था। 2012 में 2013 में आपके यहाँ पे ही मैंने नवरात्रि किया था, वो भी यही लोग ऑर्गेनाइजर था, और सरसाना में पहले ही बार सरसाना में नवरात्रि हो सकती है कि बोलने वाला भी मैं ही हूँ और हमारे मित्र हैं किरण भाई और वगैरह सब साथ में बैठ के हम आदि श्रीवास्तव को लेके आए थे। पता होगा यहाँ सूरत वाले लोग, पता है ना, जब लोग अलग अलग बातें करते थे उस वेन्यू का कि कौन आएगा इतना दूर और कौन आएगा, आज हालत ऐसी है कि हिरेन भाई को पास के लिए लोगों को मना करना पड़ता है। तो वैसे ही वो मेरी इवेंट लास्ट इवेंट थी, बिकॉज वेलकम मंजरी जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। एक्चुअली एक आर्टिस्ट और एक ऑर्गेनाइजर दोनों इतने अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों इतने परेशान होते हैं क्योंकि बीच के जो ट्रांजेक्टर है, मतलब जो बीच वाले लोग हैं, मतलब अब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। चाहे मैं भी मैनेजर हूं तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है मेरा थॉट प्रोसेस, लेकिन जो जिसके थॉट प्रोसेस गलत है उसके लिए वो सैलब कहीं काम का नहीं है। जो काम करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए वो सैलब अच्छे से काम आ सकता है। एक वो सैलब जो है ना, आर्टिस्ट और एक मैनेजर की दुख की कहानी है। वो सैलब ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, कैसे कि आर्टिस्ट को पूरा पता होगा कि उसको कौन बुक कर रहा है एक इवेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजर को भी पता होगा कि कौन सी आर्टिस्ट को डायरेक्ट बुक कर रहा है, क्योंकि बीच वाले होते हैं वो, मैडम अभी अवेलेबल नहीं है, मैडम अभी ये है, सर अभी बाहर है, अभी डेट नहीं है, जो एक स्मूथली डील होना चाहिए वो डील नहीं होती है हमारे इंडस्ट्रीज में। तो हमने सोचा मैंने 2013 में कि एक चीज ऐसी लेके आए जिससे लोगों को एक इजी और एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि जिससे इजीली डील हो जाए। तो सोचते सोचते 7 साल लग गए और हमने 7 साल में मैंने इतना सोचा कि लास्ट 2 ईयर से गो सेलब पे वर्क चल रहा था, हम आपके पास आए आज आए हैं, लेकिन 2 साल से बैक एंड में इसका पूरा वर्क चल रहा था और उसके साथ उस दो वर्क में मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे ग्रुप सीईओ मिस्टर विनोद धाकरे, वो भी मुझे अच्छे से सपोर्ट किए, और हमारे जो जितने भी वेंटर्स हैं हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं वो भी एक कंसेप्ट को मेरी तरह ही मार्केट में लेके आए हैं। अभी आपको ज़्यादा तो प्रेस नोट में मैंने लिख दिया है क्योंकि पूरी कहानी बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, और मुझे पता है
आप मुझे कम सुनोगे, इन लोगों को ज्यादा सुनने के लिए, इसलिए मैं मेन मेन यूएसपी है। जैसे आपको सैमसंग का मोबाइल खरीदने पे कैशबैक मिलता है, वैसे सेलिब्रिटी को खरीदने पे मतलब बुक करने पे आपको कैशबैक ऑफर मिलेगा 15%। हम 18 वॉलेट इंडिया के जो 18 वॉलेट है उनके साथ टाई अप किया है। खुद गोस्वामी का भी वॉलेट आया है, 180 बैंक से साथ हमने टाई अप किया है, जिससे आप नेट बैंकिंग से या आरटीजीएस से एनईएफटी से आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी फुल रहेगी क्योंकि आर्टिस्ट आपसे कनेक्टेड रहेगा वाया गोसेलेब के थ्रू, और ट्रांजेक्शन भी जो होगा वो वाया गोसेलेब के थ्रू ही होगा। तो एक तो हमारे यूएसपी ये है, प्लस हम इसको जो मार्केटिंग कर रहे हैं कंज्यूमर स्टाइल से मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जैसे मार्केटिंग होता है उसी तरह का हम मार्केटिंग प्लान बनाया है। अभी हम मतलब मार्केट में आए हुए 20 दिन हुआ है, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद मानूंगा मैं सारे आर्टिस्टों का कि 15 दिन में गो सेलेब में 300 से ज्यादा लोग रजिस्टर हुए हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस है कि चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो आर्टिस्ट, लेकिन एक बार में वो कभी हार नहीं बोलता है। लेकिन गो सेलेब की कंसेप्ट को सुन के कभी कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम हम आएंगे, सेम डे रजिस्टर हुआ है ऑफिस में बैठ के या उनके घर पे जाके हमने रजिस्टर किया है। तो उनके लिए हम गो सेलेब की ओर से बहुत धन्यवाद कहते हैं कि हमारे पे ट्रस्ट करके और ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे। अब लोगों को ऐसा भी होगा, इंडस्ट्री में पहली ऐसी वेब पोर्टल होगी या वेबसाइट तो बहुत सारी है जिनके पास 50-60 आर्टिस्ट होते हैं, ये पहला इंडस्ट्रीज का ऐसा वेब पोर्टल है जिनके पास फ्यूचर में बहुत सारे आएंगे। लेकिन अभी 300 से ज्यादा आर्टिस्ट आप बुक कर सकते हो। आप gosalab.gosalab.com पे जाओगे, आपको हर चीज मिलेगी, नेविगेशन है, आप उस हिसाब से जो भी काम करोगे आपको जो भी आर्टिस्ट चाहिए वो आर्टिस्ट वहां बुक कर सकते हैं। और गो सेलेब का एक टैगलाइन है मैक इट हैपन करने के लिए, जिसमें टैलेंट है वो हमारे लिए सेलिब्रिटी, जरूरी नहीं है कि वो फिल्म में आया या सीरियल में आया, हम जिसके पास अच्छा टैलेंट है वो हमारे लिए सेलिब्रिटीज है। और हम हर टैलेंट को प्रमोट करेंगे, नॉट इवन कि एक्ट्रेस या डांसर, लेकिन अदर टैलेंट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे साथ नीति जी हैं, वो एशिया गॉड टैलेंट जैसे शो के मतलब अच्छे लेवल पे एक काम कर रहे हैं सैंड आर्ट। रात को आपको वहाँ सरसाना में दिखेगा सैंड आर्ट क्या होता है, शेडो आर्ट है। वैसे काफ़ी आर्टिस्ट हमारे साथ अदर टैलेंट जो स्पेशल टैलेंट बोलते हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। हिमांशु जी कहाँ है, हिमांशु जी और नीलेश जी, हिमांशु और नीलेश जी, जो मेरी वाइफ है उनको भी मैं इनवाइट करूंगा, वो भी स्टेज पे आ जाए। हिमांशु आ जा भाई, ये मेरे मेरा दोस्त है, हम दोनों काफी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं और सूरत में हमारा कॉलेज। सारे एक्टर्स जो हमारे बॉम्बे से आए हैं और सूरत में सारी प्रेस का मैं धन्यवाद करूँगा इस इवेंट के लिए। आप सब आए अपना वक्त निकाल कर और नवरात्रि के दिनों में आपने अपना समय निकाला है, और रात को सारे जो एक्टर्स हैं सरसाना जाने वाले हैं वहाँ पे सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे, और कुछ ही मिनटों में बाकी जो हमारे एक्ट्रेस हैं पूजा चोपड़ा शायद वो आ चुकी हैं, वो बाहर हैं, और अंजना सुखानी और ऐश्वर्या सपूजा एंड चंडी पांडे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे 5 मिनट में। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खाली गो सेलेब के बारे में सवाल करें यहाँ पे, क्योंकि अभी मीटू का बहुत कुछ चल रहा है, तो आर्टिस्टों ने पहले बोला है कि मीटू छोड़ के बाकी सब बात कर सकते हैं, और क्योंकि मीटू पे जाएंगे तो बहुत लंबा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है गो सेलेब का, जहाँ पे आप किसी भी एक्टर को अपने इवेंट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, और हमारे वो आर्टिस्ट और आ जाए तब हम
लोगों अनवील करेंगे और साथ ही साथ रिक्वेस्ट द टीम गो सेलेब टू अनवील द लोगो ऑफ द कंपनी. आई रिक्वेस्ट लाइट ऑफ करें यहाँ पे. सर सब लोग सामने
की गिटार को आप ऑलरेडी सुन सकते हैं, वो एक बहुत ही टैलेंटेड और नए आर्टिस्ट हैं, लेकिन GoCelebs.com ने उनका स्वागत किया है एंड ही हैज ऑल्सो रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल. और आप इनका संगीत सुनिए आज और फिर इन्हें बुक कीजिए.